अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। आज जामनेर तहसील कार्यालयासमोर CAA, NPA आणि NRC हा कायदा त्वरित रद्द करण्याच्या मागणीसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले। या धरणे आंदोलनात विविध राजकीय सामाजिक स्तरावरील पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच संविधान बचाव नागरिक कृती समितीचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। नागरिकत्व संशोधन कायदा जो गव्हर्नमेंटने अभी कुछ ही दिनों पहले पारित किया था, शायद 12 जनवरी 2019, तो इस कायदे के अंदर जो कुछ आक्षेपार है, जो कुछ ऑब्जेक्शनेबल है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्या है और ये कायदा किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है तो जनहित में न होने की वजह से पीछे लेना चाहिए, इसके विरोध के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। इसके लिए एक कंटिन्यूस धरना जो पूरे इंडिया में आज देशव्यापी धरना है और ये देशव्यापी धरने के अंदर हमारा भी सहभाग है। उन करोड़ों नागरिकों के साथ हम हैं जिनको इस कायदे की वजह से नुकसान होने वाला है, जिनके ऊपर इसकी वजह से अत्याचार होने वाला है, जुल्म होने वाला है, अन्याय होने वाला है। नागरिकत्व संशोधन कायदा क्या है? सबसे पहले तो भारत की संकल्पना क्या है, उसके लिए ये जानना जरूरी है। मेरा मानना ये है, हमारा संविधान ये कहता है, हमारा संविधान जहाँ से शुरू होता है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक। भारत के नागरिकों से मिलकर के सबसे पहले भारत बनता है। तो भारत के लोगों के लिए भारत के सारे संसाधन जो है तो डेडिकेटेड है। ये भारत के लोग अगर आपस में, क्योंकि हमारी अपनी जो सभ्यता है वो विविधता में एकता की है, इसमें जात धर्म पंथ लिंग कोई वैल्यू नहीं रखता, हम सब एक हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अधिकार हैं एक सिविलियन होने के नाते से, वही अधिकार उनके इर्दली, उनके प्यून के भी है, वही अधिकार हमारे आदिवासी भाई के भी है, दलित के भी है, SC के भी है, ST के भी है, मुस्लिम के भी है, हिंदू के भी है, औरत के भी है, बच्चे के भी है और हर किसी के है। उन अधिकारों में अगर किसी को धर्म के नाम पर प्रेफरेंस देने की बात आती है या उसके पास उसके जात या उसके उसकी जो है तो सिंध या उसके धर्म के नाम पर जो है तो उसके साथ में अत्याचार करने की बात आती है, उसको नेग्लेक्ट करने की बात आती है, तो ये हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान दुनिया का वो सबसे अजीम, सबसे ग्रेट संविधान है जिसने हर आदमी को बराबरी का जो हिस्सा दिया, बराबरी का जो उसका अधिकार दिया, वो अधिकार दुनिया के किसी भी संविधान में देखने को नहीं मिलता। अगर आज हमारा वो संविधान हमसे हमारे अधिकार छीनने की बात करता है तो ऐसे संविधान को हम अपने मूल तत्वों की तरफ लाने की कोशिश करते रहेंगे। ये सरकार की साजिश है और ये सरकार क्या है? दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मुल्क है कि जिसके अंदर जो प्रजासत्ताक लोकतांत्रिक मुल्क है उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ और भारत की तारीख में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर सरकार जनता के खिलाफ हुई हो या जनता कभी सरकार के खिलाफ हुई हो। आज सरकार की अपनी नीतियां ऐसी हैं कि हम उनके सामने डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं? जनता पहली मर्तबा, ये तो इतनी बड़ी कालिख पोतने की बात है भारत की तारीख में कि पहली मर्तबा जनता ये कह रही है कि हमें एक रहने दो, हमको जात में धर्म में मत बांटो। कानून बनाया तो क्या बनाया? कानून ये बनाया कि मुस्लिम छोड़कर के बाकी लोग अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, जो भारत से बाहर से आए हैं वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो मुस्लिम छोड़कर अगर हैं तो हम उनको जल्दी से नागरिकता दे देंगे और मुस्लिमों को जो है तो नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये मुस्लिम के नाम पर आज हो रहा है, कल को इसके अंदर और एडिशन करते जाएंगे या और सब्ट्रैक्शन करते चले जाएंगे, तो ये क्यों होगा? जब हमारे संविधान ने सबको एक साथ आने की संकल्पना दी तो हम उसमें बदलाव कैसे बर्दाश्त करते? जब देश के सारे बुद्धिजीवी इसके खिलाफ है, जब देश के सारे हिस्टोरियन इसके खिलाफ है, जब देश के सारे वकील इसके खिलाफ है, जब देश के सारे सियासतदान इसके खिलाफ है, तो क्यों सरकार इसको चलाने के ऊपर अपनी जिद पर अड़ी है? हमको जरूरत इस बात की है कि इस देश के शिराजे को हम किसी भी सूरत में जो है तो ये दूर नहीं होने देंगे। आज हम यहाँ जमे हैं, हम 2 घंटे तक सरकार के सामने जो है तो अपना ये रुक करके अपने आंदोलन को जो है तो सरकार के खिलाफ, ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, इसमें हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस देश को
किसी भी सूरत में जो है तो छोड़ने के लिए या इस देश के किसी छोटे से छोटे बंदे को जो है तो उसके साथ अन्याय होने के लिए हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी किसी संकल्पना को हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे, बल्कि हम जिसके जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, हम उसके पास खड़े रहेंगे, हम उसके लिए खड़े रहेंगे और हम उसके आगे खड़े रहेंगे। हमारा सीना पहले होगा और उसके बाद उस मजदूर का सीना होगा। अगर आपको उन तक पहुंचना है तो आपको पहले हमारे से होकर गुजरना होगा, हमसे मुकाबला है। आज यहाँ और भी लोग हैं, आप मुझे भी सुनते रहेंगे। मैं इस वक्त में वीपी पाटिल साहब को आवाज दूंगा कि वो अपने विचार विमर्श आपके सामने पेश करें। कट्टर हिंदुत्ववादी का मतलब होता है मैं मेरा खुद मेरा धर्म का पालन करता हूँ और दूसरे के धर्म का मैं मान सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। हमारे आज मुझे याद है डॉक्टर इकबाल कवि ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम हिंदी है हिंद हमारा वतन है। और हमारे गायक थे मोहम्मद रफी, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो भाइयों हमें ना हिंदू बनना है ना मुसलमान बनना है, जो धर्म है उसका आदर करना है, लेकिन हमें सच्चा हिंदुस्तानी बनना है और उससे भी ज्यादा हमें मानव इंसान बनना है और ये देश के लिए हमें जरूर है। इसलिए आज इन्होंने जो कानून लाया है, एक कानून का मैं भी विरोध करता हूँ, मैं सच्चा हिंदुस्तानी सच्चा हिंदू वादी मैं इसका विरोध करता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अभी सरकार को पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसा मान लो, ऐसा पकड़ लो कि ये जामनेर में 40,000 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं 40,000 लोग रहते हैं, इसमें 40 घुसखोर लोग हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आए हुए अफगानिस्तान से आए हुए या पाकिस्तान से आए, 40 अगर कोई खून करता है अगर कोई डाका डालता है तो उसको ढूंढने का काम हमारी पुलिस करती है। हमारी पुलिस वो करती है क्योंकि वो तनख्वाह लेते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, तो क्या 40 घुसखोर को हमारी पुलिस ढूंढ के नहीं निकाल सकती? तो उनको ढूंढने निकाल सकते हैं तो एक कानून लाने की क्या जरूरत है? अगर हमारा अशफाक भाई पटेल अगर उस घुसखोर को पनाह देता है, आसरा देता है, सहारा देता है, तो अशरफ को पकड़ो, कोई दूसरा सेल उसको पकड़ो, जो उसको पनाह देता है उसको पकड़ो। इसलिए 40,000 लोगों की ये एनआरसी कि तुम हिंदुस्तानी हो क्या, तुम हिंदुस्तानी हो क्या, ये दिखाओ हो जो कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये बेवजह कानून लगा रहे तो, और बेवजह तुम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, तो इसके तकलीफ ज़्यादा बढ़ेगी, दोनों धर्म के लोगों में इससे अंतर बढ़ेगा, दूरियाँ बढ़ेगी। और कानून कैसे हुआ, मैं हिंदुत्ववादी इसलिए मैं अर्थ बोलता हूँ कि हमारे एक संत हो गए ज्ञानेश्वर, और हमारे संस्कृति में लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया मेरी दुनिया है, ये पूरा दुनिया मेरा घर है, यानी इतनी बड़ी ये संवेदना कल्पना हमारे धर्म में लिखी है कि दुनिया का कोई भी इंसान हो वो मेरा भाई है। वो ज्ञानेश्वर ने नहीं खेला है, ये विश्व की माँ घर, ये विश्व पूरा पूरा जग पूरी दुनिया मेरा घर है। अगर पूरी दुनिया मेरा घर है तो ये अफगानिस्तान से आए, ये पाकिस्तान से आए, ठीक है भाई हम तुमसे भी सहमत होते हैं, हम तुमसे भी सहमत होते हैं, चलो कोई किधर से आए, तो तुमने ये क्यों, तुमको सिख चलेगा, तुमको बौद्ध चलेगा, तुमको ईसाई चलेगा, तुमको हर धर्म का इंसान यहाँ पे चलेगा, जो वहाँ से आकर यहाँ बसा हुआ है वो यहाँ की नागरिकता चाहता है, हिंदुस्तानी बनना चाहता है, मुसलमान क्यों नहीं, मुसलमान क्यों नहीं? ये वजह यही है कि ये वोट की राजनीति है, जो इस यानी तुमको वोट मिलेंगे क्योंकि यहाँ की तादाद मोमिनियन लोगों की ज़्यादा है, उनकी 20 करोड़ की आमदनी है। अगर ये और थोड़े से आ जाएंगे इधर तो अपनी वोट का डाइल्यूशन हो जाएगा, वोट कम हो जाएंगे, इसलिए इनका नज़रिया अलग है, तुम्हारी नज़र बदलो नज़रिया भी बदल जाएंगे। और ये जो राजनीति चालू है वोट की, ये बहुत ही गलत है, देश के लिए
अभी ये माहौल खड़ा किसको किसके समझाएंगे तुम कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कौन से लोगों को समझाएंगे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम सिर्फ दिखा रहे जो इसके साथ रहेगा, जो NRC के साथ रहेगा वो देश भक्त, और जो NRC को विरोध रहेगा वो देश आयस। मैं बागी हूँ, मैं विरोधी हूँ, मैं देशद्रोही बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये संविधान में लिखा नहीं है, इसलिए मैं बागी तैयार हूँ, मैं देशद्रोही और मैं फांसी पे जाने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये जो चालू है, माहौल खराब बन रहा है देश का, जो भाईचारा है हमारे मुस्लिम लोगों के और हिंदू लोगों के बीच में, ये भाईचारे को खत्म कर रहा है। दहशतगर्द मानने का जमाना अभी चल रहा है भारत में, नया भारत आप देख रहे हो, ये अभी स्टूडेंट को टेररिस्ट माना जा रहा है, और जो टेररिस्ट था दविंदर सिंह जैसा, उसको अभी राष्ट्रपति अवार्ड दिया जा रहा है। आपने देखा है कि उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिल गया है, और वो सब जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई है उसमें वो शामिल था। तो आप देख रहे हैं कि भारत में ये क्या चल रहा है, सब उलट पुलट चल रहा है। जो देशभक्त है या फिर हिंदू है, तो मैं हिंदू हूँ, मेरे घर से जो BJP का जो मूवमेंट चला था, ये जामनेर तालुका का, तो मेरे पिताजी उसमें थे, मैंने बचपन से वो देखा है, हिंदू मूवमेंट भी देखा है, और मेरे पिताजी ने जैसे बोला कि एक हिंदू वही है जो सारे धर्म को प्यार करता है, जिसमें हमारे हिंदू धर्म में एक बताया गया है सहिष्णुता, मतलब सारे धर्म से प्यार करो। ये जो बताया जा रहा है अभी, जो IT सेल है BJP की, और जो मीडिया उन्होंने खरीद के रखा है ये अंबानी के पैसों से, तो ये सब दिमाग खराब करने के काम कर रहे हैं। और स्टूडेंट के तौर पे मैं यहाँ पे आया हूँ, जलगांव में हमने यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा आंदोलन किया, उधर भी हमारे अल्पेश भाई थे और विकास वगैरह जो हमारे साथी थे, तो ये दिखाया भी जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन है, तो ये बहुत गलत चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं ये जताने के लिए कि ये कोई मुसलमानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत का आंदोलन है, ये स्टूडेंट का आंदोलन है, ये गरीबों का आंदोलन है। और यहाँ पे जो 2014 में हमें ख्वाब दिखाया गया था अच्छे दिनों का, तो मैं अभी गुजारिश करता हूँ कि हमको बुरे दिन लौटा दो, हमें बुरे दिन चाहिए, ये अच्छे दिन हमसे अभी हम सही नहीं पा रहे ये अच्छे दिनों को, क्योंकि तब जो बोला जा रहा था कि करप्शन खत्म करेंगे, भारत को 2020 में महासत्ता बनाएंगे, कहाँ गए वो ख्वाब? और आज हम देख रहे हैं कि हम लोग अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए अभी अपने कागज जुटाने में लग गए हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि आप कैसे नागरिक है ये करो, तो मैं ये एक बोलता हूँ कि भैया आप प्रधानमंत्री ही नहीं ना, अगर हम जिस आधार कार्ड और जिस वोटिंग कार्ड के जरिए हमने आपको चुना है प्रधानमंत्री, तो आप कैसे प्रधानमंत्री हुए, कैसे गृह मंत्री हुए? तो आज ही आप इस्तीफा दे दो, हम लोग बाद में देख लेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सरकार है ही नहीं ना। तो देखिए, ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों की बीच में राजनीति चल रही है भाइयों, लेकिन मैं आज मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि आपके बच्चों को आपने पढ़ाना चाहिए। उपस्थित सर्व भारतीय नागरिकांना मी या ठिकाणी फक्त CAA आणि NRC या संदर्भात फक्त दोनच गोष्टी सांगणार आहे। सर्वात प्रथम आपण CAA हा विषय काय आहे हा विषय लक्षात घेणं फार गरजेचं आहे। CAA हा विषय असा आहे की पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातून जे घुसखोरी म्हणून आलेले आहेत, ख्रिश्चन, पारसी आणि निर्वासित ख्रिश्चन, त्यामध्ये मुस्लिम वगळता सर्व धर्मियांची जी लोक आहेत, त्या लोकांना 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी जे या देशामध्ये घुसखोर म्हणून आलेले आहेत, त्या सर्व लोकांना नागरिकत्व बहाल करणे म्हणजेच CAA याचा अर्थ होतो। आता हा CAA कायदा ज्यावेळेला संसदेत मांडण्यात आला, त्यावेळेला ज्या सत्ताधारी लोकांनी हा कायदा त्या ठिकाणी मांडला, त्या ठिकाणी त्यांनी सत्तेच्या जोरावर, त्यांच्या सत्तेच्या आकड्यावरती तो त्या ठिकाणी विरोधकांनी त्याला विरोध केल्यानंतर सुद्धा तो पारित केला। परंतु CAA कायद्याला आपला विरोध का? म्हणजे आपण इथे बसलेले लोक आहोत, म्हणजे फक्त CAA फक्त मुस्लिम विरोध करतोय असं नाहीये, CAA संपूर्ण भारतातील नागरिक विरोध करतोय, मग आदिवासी असेल, बहुजन असेल, OBC असेल, ST असेल, हा सर्वच समाज या CAA विरोध करतोय। त्याचं कारण असं आहे की यांनी जो कायदा केला आहे, जे 2 कोटी लोक जे घुसखोर लोक आपल्या देशामध्ये येणार आहेत,
त्यांना त्यांनी धर्माच्या आधारावर या ठिकाणी नोडलेलं आहे. आणि संविधानामध्ये कलम क्रमांक 14 ही समानता दर्शवणारी एक कलम आहे. म्हणजे संविधानामध्ये समानता आपल्याला दिलेली आहे. आणि मग आपण जे घुसखोर म्हणता त्यामध्ये मुस्लिम वगळता इतर धर्मियांना आपण या ठिकाणी त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी प्रयत्न करत असाल, म्हणजेच आपण संविधानाला कुठेतरी घाला घालतोय. समानतेचा जो अनुच्छेद क्रमांक 14 आहे त्याला आपण सरळ सरळ या संविधानाला आपण या ठिकाणी विरोध करतोय. म्हणजे सत्तेत राहिलेल्या लोकांनी सत्तेच्या जोरावरती संविधानाची तोडमोड करून हा कायदा या ठिकाणी अस्तित्वात आणलाय. आमचं म्हणणं या सीएला आमचा विरोध काय आहे, तर ही जी 2 कोटी लोक आहेत, ही 2 कोटी लोक म्हणजे या कायद्याला पूर्वांचल राज्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात विरोध होतोय. पूर्वांचल राज्यात विरोध का होतोय, तर त्या ठिकाणची आदिवासी बांधव असतील, त्या ठिकाणचा जो तिथला भूमिपुत्र असेल तो भूमिपुत्र आणि आदिवासी बांधव या लोकांच्या येण्यामुळे त्यांच्या सांस्कृतिक आर्थिक जी त्यांची संस्कृती आहे ती आर्थिक आहे त्याच्यावर त्याचा बोजा पडणार आहे. त्यांच्या आर्थिक अर्थकारणावर म्हणजे त्या राज्यातील अर्थकारणावर त्या ठिकाणी बोजा पडणार आहे. बाहेरची लोक त्या ठिकाणी येतील म्हणजे त्या ठिकाणच्या रोजगाराच्या संधी वगैरे असतील त्या सर्व संधी त्यांनाही दिल्या जातील. म्हणजे एकंदरीत त्यांचा अर्थकारण त्या ठिकाणी संपणार आहे. म्हणजेच सीए हा फक्त मुस्लिमांसाठी मुस्लिम विरोध करतायत असं नाहीये. फक्त मुस्लिम धर्मांना त्यांनी त्या ठिकाणी वगळलं, म्हणजे धर्मावर आधारित एक राजसत्ता यांना या पुढे आणायची आहे असंच आपल्याला म्हणावं लागेल. दुसरा विषय आहे एनआरसीचा. एनआरसीचा विषय असा आहे की एनआरसीमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की 1971 पूर्वी आपल्याकडे जे आपण या देशामध्ये राहतो किंवा या देशामध्ये वास्तव्य करतो त्या संबंधीचे आपल्याकडे कोणकोण आपल्याकडे पुरावे असणे आवश्यक आहे. आणि जर ते पुरावे आपल्याकडे नसतील तर आपल्याला एका कॅम्पमध्ये एक शरणार्थी म्हणून तिथे ठेवलं जाणार आहे. परंतु मला म्हणायचं आहे की या ठिकाणी आपल्याला ते 1971 अगोदरचे पुरावे मांडतायत आणि बाहेरून येणारे अफगाणिस्तान पाकिस्तान बांगलादेश या ठिकाणाहून जे पारसी ख्रिश्चन आणि निर्वासित जे लोक आहेत त्या लोकांना 2014 अगोदर 31 डिसेंबर 2014 अगोदर ती कागदपत्र मागून त्यांना इथे नागरिकत्व देत आहेत. आणि आपल्याला काय करतायत, आपल्याला 1971 पूर्वीचे अनेक जे दाखले म्हणजे अनेक जे पुरावे ते आपल्याला मागतायत. आता आपल्याकडे आधार कार्ड आहे, पॅन कार्ड आहे, लिव्हिंग आपल्याकडे लिव्हिंग सर्टिफिकेट आहे, सर्व प्रकारचे भारतीय नागरिकत्व असण्यासाठीचे पूर्ण कायदे आपल्याकडे आहे. आपण महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आपलं एक सर्टिफिकेट काढतो की मी महाराष्ट्र राज्याचा नागरिक आहे. आणि देशाचा सुद्धा एक नॅशनॅलिटी म्हणून आपल्याकडे ते आपण शैक्षणिक कामामध्ये आपल्याला ते लागतं आणि नॅशनॅलिटी सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी मिळू शकते. मग आमच्याकडे हे सर्व काही पुरावे असताना, आमच्याकडे पॅन कार्ड आहे, आधार कार्ड आहे, सर्व आहे, हे असताना तुम्ही आम्हाला 1971 पुरावे मागणार, तर 1971 तुम्ही अगोदरचे तुम्ही पुरावे मागणार म्हणजे तुम्ही आम्हाला तुमच्या लाईनमध्ये उभं करणार आहे. तिथे एक नोंद होणार आहे, तिथे एक रजिस्टर असणार आहे आणि त्या रजिस्टरमध्ये ती नोंद केली जाणार आहे. या ठिकाणी या भारत देशामध्ये आपला GDP दरवर्षी दर आर्थिक वर्ष बघतोय आपण की आपला GDP या ठिकाणी खाली घसरतोय, खाली येतोय. त्याच वेळेला देशामध्ये प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी वाढते. इथला जो नागरिक आहे तिथल्या नागरिकालाच आपण आज इथे बेरोजगारी आहे. तिथल्या नागरिकांना आपण एक चांगलं जीवन, अन्न, वस्त्र, निवारा या गोष्टी आपण देऊ शकत नाही. आणि हे 2 कोटी लोक जर आपल्या देशामध्ये आले तर हे 2 कोटींना आपण नागरिकत्व देतोय. आणि इथला जो मूलनिवासी भारतीय आहे, इथला जो मूलनिवासी बहुजन SST SC दलित आहे, त्या लोकांना आपण एका रांगेमध्ये उभे करतोय. त्यासाठीच आमचा विरोध आहे. CAA आणि NRC याला विरोध करण्याचं कारण मी फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान वाचलेलं आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानासारखा धर्मग्रंथ हा जगात होऊ शकत नाही. छत्रपती शिवाजीराव महाराजांची प्रेरणा घेऊन महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या शिवचरित्रावरून या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अतिशय पवित्र असा संविधानाचा धर्मग्रंथ नाही म्हणत मी, परंतु एक देशाचा सर्वात मोठा मजबूत ग्रंथ संविधान या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि या संविधानाची जळती या ठिकाणी सत्ताधारी कोणी असेल तोडमोड करत असेल तर या नक्कीच मी एक भारतीय नागरिक म्हणून त्या ठिकाणी विरोध करणार आहे. त्यासाठी मी माझा धर्म सांगणार नाही, माझी जात सांगणार नाही, परंतु एक भारतीय म्हणून संविधानाची तोडमोड होते आहे म्हणून मी त्याला या ठिकाणी विरोध करणार आहे. अपने इस मुल्क को अंग्रेजों के खूनी पंजे से छुड़ाने के लिए अपनी जान की माल की कुर्बानी दी है. अगर इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए हमारे इस मुल्क की जमीन को और अगर हमारे खून की जरूरत है तो हम इस सरजमीन को जो है अपना खून देने के लिए तैयार हैं. लेकिन इस मुल्क में हम जो है तफरीकाबाजी, फिरकावारियत, ये
किए जाए हरगिज नहीं होने देंगे। इसलिए हम अपनी उस तारीख को भी मद्देनजर रखें कि जब अंग्रेजों ने इस मुल्क का दौरा किया और मुल्क के हालात उन्होंने मालूम किए, तो आज भी किताबों में अंग्रेजों के लिखी हुई तहरीर मौजूद है कि उन्होंने ये बात लिखी है कि दुनिया में हिंदुस्तान ये ऐसा मुल्क है कि जिसमें मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, लेकिन मुख्तलिफ मजहब होने के बावजूद उनके दरमियान इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारगी, कौमी यकजहती इतनी ज़बरदस्त है कि वो अंग्रेज सैया लिखता है कि हमारे मुल्क में सगे भाई में भी इतना इत्तेफाक और भाईचारगी नहीं है। फिर उन्होंने गौर और फिक्र किया कि मुल्क हिंदुस्तान ये सोने की चिड़िया है। तारीख में ये बात लिखी है, मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त तो औरंगजेब आलमगीर इस मुल्क के बादशाह थे, तो दौलताबाद का किला, तारीख में ये बात आज भी किताब में लिखी हुई है कि दौलताबाद के किले में जो सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, उनको वजन करने के लिए औरंगजेब ने 6,000 मजदूर लगाए और वो 6,000 मजदूर 6 महीने तक सोना चांदी हीरे जवाहरात तोलते रहे, लेकिन पूरा तोल नहीं सके। इसलिए इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अंग्रेज की ललचाई हुई नज़र जो इस पर लगी और फिर उसने जो ये प्लान बनाया कि इस मुल्क पर किस तरीके से कब्जा किया जाए, तो उस वक्त जो है बहुत गौर व फिक्र करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे पहला प्लान और मंसूबा हमें ये करना होगा कि हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन उनमें आपस में भाईचारगी और इत्तेहाद इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे मुल्क में सगे भाई में भी ऐसा इत्तेफाक नहीं है। इसलिए सबसे पहले उनके दरमियान जो ये भाईचारगी है, इत्तेहाद इत्तेफाक है, तो मजहब के नाम पर उनको जो है बांट दिया जाए, उनमें नफरत फैलाई जाए। चुनाचू वो इसमें कामयाब हुए और उसके बाद फिर उन्होंने जो है ये हरबा इस्तेमाल किया कि इस मुल्क के वो लोग जो अहले इल्म थे, जिनको कानून की मालूमात थी, तो उनसे उनके दिलों उनके जो मोहब्बत और उनका जो ताल्लुक अवाम से था, उनको जो है ख़त्म किया ताकि अवाम का ताल्लुक रब तो जो है इनसे ख़त्म हो जाए, तो हम जो है हिंदुस्तान पर जो है कब्जा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज हम गौर करें और बारीक निगाह से जो है तो देखें, तो वही हथियार और वही हरबा आज मौजूदा हुकूमत भी जो है इस्तेमाल कर रही है कि इस मुल्क में जो आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में, तो मजहब के नाम पर जो है इनको तकसीम कर दिया जाए, बांट दिया जाए और फिर इस मुल्क की सरजमीन और इसकी माल दौलत हम अकेले जो है तो मालिक बन जाए। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ये मौजूदा हुकूमत को ये बता दें कि हम
आप जो है हमें मजहब के नाम पर अब बांट नहीं सकते। हम मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं। हम आपको जो है कुर्सी से उतारने की ताकत रखते हैं, आप जो है हमें मजहब के नाम पर बांटने की ताकत नहीं रखते। हम अपने मुल्क के कानून और अपने मुल्क की इस सरजमीन पर जो इत्तेहाद इत्तेफाक है मुस्लिम मजहब मुख्तलिफ मजाहब के लोगों का, हम इसे जो है खत्म होने नहीं देंगे। इसलिए और आइंदा के लिए एक हमारे लिए लाए अमल ये है कि हमने तो मौजूदा जो हुकूमत है इन पर एतमाद करके, इन पर भरोसा करके हमने इनको वोट दिया और अपने मुल्क की कुर्सी पर जो इनको बिठाया, लेकिन इन्होंने ये सारी चीजें गैर यानी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की इनकी कोशिश और मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने की इनके जो है तरीके, ये खुद ये बता रहे हैं। चाहे हमको वोट देने वाले भारतीय लोग, तुमने हमको वोट देकर बहुत बड़ी गलती की है कि तुमने हमें वोट दिया और हम तो इस कुर्सी के लायक नहीं थे और तुमने जो है ना अहल और नालायक लोगों को कुर्सी पर बिठा कर मुल्क की अमन व अमान को जो है बर्बाद कर दिया है। इसलिए जो है हम आज जो यहाँ पर जमा हुए हैं, इसलिए कि हमारे मुल्क का जो संविधान है वो हम हरगिज़ जो है खत्म होने नहीं देंगे। जे अपने देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदी जी यांनी या देशातल्या जनतेचा विश्वासघात केलेला आहे। या माणसाला या खुर्चीवर बसण्याचा सुद्धा अधिकार नाही। त्या जनतेने त्यांना फार अपेक्षा बघून त्या पदावर बसवलं, मात्र या माणसाने या देशात सगळं विघ्न संतोष निर्माण केलेला आहे। जात प्रत्येक जाती धर्मामध्ये वाद घालण्याचा प्रयत्न या माणसाने केला, अशाने हा देश चालू शकत नाही। देशामध्ये सगळ्या समाजाचे जाती धर्माचे लोक आहेत। त्या देशामध्ये हिंदू असेल, मुसलमान असेल, शीख असेल, ईसाई असेल, त्या जाती धर्मामध्ये तिळा तयार करण्याचं काम या मोदी साहेबांनी केलं। बाबा तुला देश चालवण्यासाठी बसवलं, देशात तुम्ही जे दिलेले आश्वासन आहे ते पूर्ण करण्यासाठी बसवलं। अच्छे दिन या देशातील जनता तुमच्याकडे बघत होती, पण तो देश अच्छे दिन तर काही दिसत नाही। लोक फार अतिशय तुमच्या बघण्याकडे फार लोक त्रस्त झालेले आहे। आता तुमची घरी जाण्याची वेळ आली। हे कायदा ज्या बाबासाहेबांनी जे अधिकार दिले त्या अधिकार बदलायचा अधिकार सुद्धा तुम्हाला नाही। संविधान कशाला म्हटलं? संविधान नसतं तर आमच्यासारखे एक जातीतल्या माणसाला सरपंच बनण्याचा अधिकार मिळाला नसता। संविधान नसतं तर एससी कॅटेगरीचा माणूस सामनेर पालिकेचा पंचायत समितीचा सभापती बनला नसता। तुम्ही या देशामध्ये वाटोळ्या करण्याकरता बसले आहे। तुम्ही दिलेलं आश्वासन प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये देणार ते भुलून गेले। लोकांना ते दिलेलं आश्वासन पूर्ण करू शकत नाही। पण आता लोकांमध्ये वाद घालायचा आणि लोकांची दिशा बदलवून टाकायची हे किती दिवस चालणार? लोकांना जीवते म्हणू नका, खोटे म्हणू नका। जे झालं असेल तर माफी मागा, जाहीर माफी मागा की आमच्याकडे झाले चुका आम्ही पूर्ण करू शकत नाही। परंतु या देशामध्ये जातीवाद फैलवू नका आणि देशामध्ये विष्ण संतोषीपणा करू नका। हिंदू आहे, मुसलमान आहे, कायदा बदलायला निघाले आपण? या माणसाने एवढ्या देशासाठी केलं बलिदान, बाबासाहेबांनी जो अधिकार दिला त्याचा तुम्ही अपमान करता तर तुम्हाला परमेश्वर सुद्धा सोडणार नाही। टोळा आणि भोळा आणि मग राज्य करा की इंग्रजांची नीती या देशावर होती आणि या देशावर त्यांनी राज्य करून 250 वर्ष राज्य करून या देशाला त्यांनी लुटलं, त्याच पद्धतीचं राज्य आज या देशामध्ये आलेलं आहे। या देशामध्ये मनुवाद्यांचं राज्य आहे। हा जो नागरिकत्वाचा कायदा केंद्र सरकारने बिल पास केलं, त्याला विद्यार्थ्यांपासून तर अनेक राजकीय संघटनांनी सुद्धा विरोध केलेला आहे।
राष्ट्रवादीचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनी सुद्धा या कायद्याला विरोध केलेला आहे. देश पातळीवरून ते गाव पातळीपर्यंत गल्ली गल्लीमध्ये या बिलाला विरोध होत आहे. तरी सुद्धा हे निगरगट्ट सरकार या ठिकाणी निर्णय घेण्याला तयार नाही. मित्रांनो, हा देश स्वतंत्र करण्यासाठी, या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी हिंदूंचंच नव्हे तर मुस्लिमांचं सुद्धा रक्त या देशामध्ये सांडलेलं आहे. जेवढा या देशाच्या मालमत्तेवर, या देशावरती जेवढा हिंदूंचा अधिकार आहे, तेवढाच अधिकार या ठिकाणी मुस्लिमांचा पण आहे. म्हणून हा देश कुणाचा या वादामध्ये न पडता बाबासाहेबांनी या घटनेच्याद्वारे आपल्याला प्रदान केलेलं आहे. ही घटना, या घटनेचं संरक्षण करणं आपलं कर्तव्य आहे. आणि या घटनामध्ये, या घटनेमध्ये असा कुठलाही या ठिकाणी या लिहिलेलं नाही आहे की कोणत्या धर्मावर आणि कोणत्या समाजावर अन्याय झाला पाहिजे म्हणून. म्हणून या ठिकाणी आपण घाबरण्याचं कारण नाही, आपण सर्व सोबत आहोत. कुठेही या बिलला विरोध करण्यासाठी जर कोणत्याही थराला आपल्याला जावं लागले तरी आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. धन्यवाद. जे संरक्षण मध्ये दोन व्यक्ती त्यांची हत्या करतील ही इंद्राजींना माहिती होत, परंतु इंद्राजी धर्मनिरपेक्ष देशाच्या उभारणीसाठी काँग्रेसनं केलेलं मोठं बलिदान आहे आणि आपल्यावर एका सामाजिकेचा ठपका राहू नये म्हणून त्यांनी मरणं पसंत केलं, ह्या देशासाठी बलिदान केलं, परंतु शीख बांधवांना सुरक्षा याच्यातून हटवलं नाही. हे काँग्रेसची संस्कृती. सोनियाजी बघा तुम्ही, आमच्या काँग्रेसच्या नेत्या, जगामध्ये आर्थिक मंदी चालू असताना 2004 या भारताच्या नागरिकांनी युपीची अतिसत्ता दिली. आपण साठी ग्रामपंचायत लढवतो, एखादी जिल्हा परिषद लढवतो, सत्ता आल्यानंतर आपण काय म्हणतो, आपल्याला पद पाहिजे, नाही तर आपल्या मुलाला पाहिजे, नाही तर कोणीतरी नात्यागोत्याचा पाहिजे. जगामध्ये आर्थिक मंदी चालू असताना ह्या जगामध्ये ते त्यागाचं असं उदाहरण आहे की याच्या पूर्वी झालं नाही तर पुढे होणार नाही. सोनियाजींनी स्वतः पंतप्रधानाची धुरा हातात न घेता जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉक्टर मनमोहन सिंग यांना त्या पदावर बसवलं. आणि ह्या देश 10 मित्र हो यांना माझं आव्हान आहे. मी सुद्धा आर्थिक गणितामध्ये काम करणारा व्यक्ती आहे. त्यांनी 2004 ते 2014 पिरियड काढून बघावं. हा देशाला उन्नतीकडे नेणारा डॉक्टर मनमोहन सिंग आणि माननीय शरद पवार साहेब यांनी जी रचना केली त्यातून हा खरा देश. आज ज्यावेळेस सत्ता नाही त्यावेळेस सोनियाजींनी आपल्या मुलाला जनतेसमोर बनवलं. हा जो कायदा झाला सर्वात मोठं देशामध्ये, याच्या विरुद्ध जर संघर्ष करत असतील तर सोनियाजी, राहुलजी आणि प्रियंकाजी. आता उत्तर प्रदेशामध्ये काही ठिकाणी घटना घडल्यानंतर प्रियंकाजी भेट द्यायला निघत असताना त्यांची गाडी अडवल्या जाते. जनतेला जागृत सांत्वन करण्यासाठी जेव्हा जातात तेव्हा त्यांना बंदिस्त केल्या जातात, धक्काबुक्की केल्या जाते, हे अतिशय वाईट आहे. JNU मधलं उदाहरण आहे, अतिशय बोलको उदाहरण आहे. सर्वांनी आता जागृत होण्याची ही फार महत्वाची वेळ. मित्र हो, पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.